अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर फहीम फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल। आई टीच मैथमेटिक्स, काउंटडाउन बुक नंबर 4, 4 क्लास 4। एक्सरसाइज 1D में आ जाएं। एक्सरसाइज 1D पेज नंबर 18 पर है। 18 पे जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स। 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से माइनस करना है, हमने आंसर लेके आना है 12। सही, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 4 5 द 20, 20 में से हम क्या माइनस करेंगे, 12 आ जाए। इसका तरीका यह है कि हम 20 में से 12 को माइनस करके जो नंबर आए वो यहाँ पे लिख दें, यानी कि 20 माइनस 12 या आ गया हमारे पास 8। अगर हम इसमें से 8 माइनस कर दें तो हमारे पास 4 5 द 20, 20 में से 8 माइनस करें, 12 आ गया। हमने इसको ऑल्टर्ड यूज़ करा है, सही। ओके, नंबर बी है हमारे पास 9 + 5 - 4 / 2। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर किस कोई सोल्यूशन दिया जाए हमें सॉल्व करने के लिए किसी क्वेश्चन, और उसके अंदर कई साइन मौजूद हों, मिसाल पर जैसे इसमें है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 3 साइन है, तो इसमें से हम सबसे पहले कौन सा साइन करेंगे, हमेशा याद रखें। DMASAS रूल है, ये DMAS एक रूल है, सही। तो इसमें सबसे पहले जो सॉल्व किया जाएगा, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर कई साइन मौजूद हों, अगर उसके अंदर डिवाइड मौजूद हो, सबसे पहले हमेशा याद रखिए डिवाइड किया जाएगा। अगर मल्टीप्लाई उसके बाद मौजूद हो, नहीं हो, तो फिर डायरेक्ट फिर एडिशन पर आ जाएंगे। एडिशन ना हो तो सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट पर आ जाएंगे, यानी कि 1 by 1 चलेंगे जो जो उसके अंदर मौजूद होंगे क्वेश्चन के अंदर। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो सेकंड वो है DMAS रूल में वो है मल्टीप्लाई मौजूद है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा, 9 + 5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 4 to the 8 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब याद रखिए A4 एडिशन, यानी हम इन दोनों को पहले फिर सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल्स टू 9 and 5 को प्लस ऐड करें तो हो गया हमारे पास 14, उसमें से माइनस करें 8, अब इसमें से 8 को डायरेक्ट माइनस कर लें, हमारे पास आया आंसर 6, आंसर आ गया हमारे पास 6, हमने 6 आंसर लिख दिया। अब ये आपको DMAS रूल भी समझ में आ गया होगा यकीनन, कि सबसे पहले जो है अगर इसके अंदर किसी वैल्यू के अंदर अगर डिवाइड मौजूद है, डिवाइड सबको पहले सॉल्व किया जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई, वन बाय वन इस तरह चलेंगे, याद रखिए। अब आते हैं हम सी पार्ट में, देखिए हमने यहाँ पर नंबर लिखना है। अब नंबर लिखने के लिए यहाँ पर हमें जो है मौजूद जो है वो 5 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, उस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 5 से और आंसर लेके आना है 10। अब इसका सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट में हमारे पास ब्लैंक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 10। हमने यानी एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ पर जिसको सॉल्व होने के बाद आंसर हमारे पास 10 है। मैंने आपको पहले कहा है कि अगर किसी जगह हम जब भी इस तरह की वैल्यू को हम करना चाहें तो उसमें सबसे पहले डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 5 को 5 से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, 1। अब 1 को हम क्या नंबर यहाँ पर ऐसा लिखें कि 10 हो जाए, अगर हम 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा। ओके, अब आप इसको चेक कर सकते हैं रूल के मुताबिक जो आपको मैंने पहले बताया। रूल ये है, डिवाइड हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को 5 से डिवाइड कर दें 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह अब आप डी में आ जाइए, डी में है 8 + 9 - 6 - 5। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कौन से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें ना डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है, सबसे पहले इसमें एडिशन आया है, ऐड को हम पहले करेंगे, यानी 8 और 9 को ऐड करेंगे, 8 9 17।
17 में से अब हम एक मरतबा 6 माइनस करेंगे और दूसरी मरतबा हम फिर 5 माइनस कर देंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसको इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, रफ में आप कर लें, 89 को 17 आया, ओके, और उसमें से हमने माइनस 6 करना है एंड फिर उसके बाद माइनस 5 करना है। अब हम माइनस एक मत इसको माइनस कर दें, जो भी आंसर उसमें उसको माइनस कर दीजिएगा। यानी कि 17 में से 6 को माइनस करें, आंसर क्या है, हमने पहले एक पार्ट सोल्व करा, ये आंसर आ गया हमारे पास 11 माइनस 5। इसको फिर हम सॉल्व करते हैं, 11 में से फिर माइनस को 5 करें, आ गया आंसर हमारे पास 6। आंसर मेरे पास आया 6, सही। तो हमने इस आंसर को यहाँ फिल कर दिया, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स ये भी फिल हो गई। अब हमने जो है यहाँ पर ई पार्ट है हमारे पास 6 प्लस ब्लैंक माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यानी इस पूरे इसको सॉल्व करने के बाद हमने एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है यहाँ पर कि उसमें से अब हम ये 8 माइनस करें 0 आ जाए। 6 में आप नंबर बताइए ऐसा कि अगर हम उसमें से वो नंबर माइनस करें 8 आ जाए, 0 आ जाए। तो आप देखिए 6 के अंदर हम 2 अगर ऐड कर दें, 6 एंड 2 8, 8 में से 0 जाए, 8 में से 8 जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, सही। तो ये आ गया हमारे पास 2। उसके बाद अब आप डायरेक्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। 3 में जो है हमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमने सिलेक्ट करना है, टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8, तो ये चीज़ वही चीज़ मैं आऊँगा। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 15 में 8 को 8 कीजिए, कितना हो गया हमारे पास 20, 3 5 द 15 और 8 23, सही। यहाँ से हमने 23 को टिक कर दिया, सही। इसके बाद आते हैं हम बी पार्ट में। बी पार्ट में हमने क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को ऐड करना है, फिर उसमें से माइनस 9 को ऐड करना है। जो आंसर सही है उसको हमने टिक करना होगा। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड हो पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई हो फिर मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस और फिर माइनस होता है। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई मौजूद है, 2 4 द 8, 8 के अंदर 8 ऐड करेंगे, 16, 16 में से 9 को माइनस करना है, हमने 16 में से हमने 9 को माइनस करना है, लिहाजा हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 2 फोर द 8 हो गया, 8 8 8 16 हो गया, 16 में से 9 माइनस करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा 7। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है, लिहाजा ये आंसर सही है, हमने इसको टिक कर दिया। अब इस सी में देखिए, ये मेन सी आया, अभी तक जो है क्वेश्चन में जो हमारे पास ये वैल्यू नहीं आई थी, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, यानी डिवाइड के भी हमारे पास नहीं आई थी इन दोनों क्वेश्चन में। अब हम सबसे पहले इसमें जो सॉल्व करेंगे वो डिवाइड को करेंगे, यानी कि 5 को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10 हो गया, 10 को अब ये हमारे पास पूरा आंसर क्या हो गया 10 हो गया, सही। 10 को अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज़ आपको पहले बताई, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसके आगे एक जीरो लगा देंगे हो जाएगा 60, सही। 60 में जो है हम जो है 5 को फिर ऐड करेंगे, सॉरी सबसे पहले हम इसको 5 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 2। 2 को जो है अब हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करना है, अभी मैं सॉरी गलत कह गया था, पहले 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, आंसर है हमारे पास 2। 2 को अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 2 6 12, 12 के अंदर फिर हम 5 ऐड करेंगे, 12 एंड 5 17। अब हम देखते हैं इस पर कौन सा सही है, यस आंसर सही है, ओके। इसके साथ ही डी में आ जाइए, डी में हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस एंड प्लस का साइन है, प्लस की वैल्यू को हम पहले करेंगे डी एम एस एम एस रूल के मुताबिक, तो 4 एंड 9 कितना हो गया 13, 18 में से 13 को माइनस कर दें, 18 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे, 18 में से जब हम 9 को सॉरी 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास का आंसर आएगा, 18 में से 13 माइनस करें आंसर आएगा हमारे पास 5। अब हम देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा सही है, इसको हमने टिक कर दिया। इसके साथ ही ई पार्ट में आ जाइए, ई पार्ट है हमारे पास 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 20। अब हम सबसे पहले डी एम एस रूल के मुताबिक सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन सबसे पहले सॉल्व होगा, 8 3 द 24 के अंदर फिर 8 को 8 कीजिए, ये हो गया
24 + 4 = 28 में से अब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 8। अब हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। हमारे पास ये वाला आंसर 8 का सही है, हमने इसको टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है वो ट्रू फॉल्स का है। इसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, वही रूल यूज़ होगा, यानी कि अगर DMS रूल के मुताबिक सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो नंबर है वो है 9 + 1 - 6। तो हम पहले ऐड वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, 9 and 1 = 10, 10 में से 6 को माइनस करें, आंसर 4 आया, लिहाजा ये आंसर हमारे पास ट्रू, हमारे पास आंसर इसका ट्रू आ गया, हमने इस पर ट्रू कर दिया। इसके साथ ही फिर हम आ जाते हैं बी पार्ट में। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस 3 कर देना है, 4 × 5 = 20, 20 में से 3 माइनस करें तो आएगा आंसर आएगा हमारे पास 17, जबकि इक्वल्स टू 8 करें लिहाजा क्या हो गया फॉल्स, हमने फॉल्स कर दिया। सी में आ जाइए, सी में हमारे पास है 49 को डिवाइड करना है 7 से, उसके अंदर 10 ऐड करना है, 7 के टेबल इतना पड़े कि 49 हो जाए, 7 × 7 = 49 में जब हमने 49 में को डिवाइड कर दिया 7 से, हमारे पास सिर्फ इसको सॉल्व करें पहले, यानी कि 7 आया, 7 के अंदर 10 को ऐड कीजिए कितना हो गया 17, जो कि ट्रू है, हमारे पास आंसर 17 ही आया, लिहाजा ये आंसर इसके हमारे पास आ गया ट्रू। इसके साथ ही डी में आ जाइए। डी में जो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास साइन मौजूद है डिवाइड का, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या है हमारे पास 2। 2 के बाद अब हम जो है 2 को जो है फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 2 × 4 = 8। 8 को अगर हम 54 से माइनस 54 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 46, लिहाजा ये हो गया हमारे पास ट्रू, डी हो गया हमारे पास ट्रू। इसके साथ ही अब हम नीचे आ जाते हैं, 3 × 2 + 4 - 3, इसमें जो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा मल्टीप्लाई वाला साइन किया जाएगा, यानी 2 × 3 = 6, उसके बाद हम प्लस वाला साइन करेंगे, 6 में 4 ऐड कीजिए, 6 and 4 = 10, 10 में से जो है हमने 3 माइनस करना है, 10 में से 3 माइनस करें 7 आएगा, वो कह रहे हैं इक्वल्स टू 9, जो कि फॉल्स है, सही। तो इस तरह आपके 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व, यानी कि इन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए रूल वही हम सॉल्व अप्लाई करेंगे, यानी DMAS। अब इसमें जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5 × 24 + 48 - 62। DMAS रूल के मुताबिक सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि अब इसको मैं रफ वर्क में करता हूँ, बुक के अंदर जगह स्पेस मौजूद नहीं है, कॉपी के अंदर आपको करके दिखा रहा हूँ। 5 × 24, मैं आई थिंक बॉल पेन से करूँ, शायद आपको ना दिख रहा हूँ। 5 × 24 में हमने कितना ऐड करना है, 48 को ऐड करना है, 48 को ऐड करते हैं, 48 को ऐड करने में पास जो आंसर आ रहा है, प्लस करेंगे हम इसको, 4 and 8 = 12, 1 करी गया, 3 and 4 = 7, और उसके बाद 5 × 5 = 72 में अब हमने जो माइनस करना है वो है 62। अब हम इसमें से 62 माइनस करेंगे, -62 माइनस कर दें, 2 से 2 = 0, 7 से 6 = 1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, आंसर इसका हमारे पास आ गया 5। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको बताया गया ये स्टेप यूँ भी कर लें, रफ वर्क में दिखाइए इसको, यानी क्वेश्चन नंबर ए उतारें, ये आपने उतारा और ये इसको रफ वर्क में शो कर देंगे, ये जो सोल्यूशन है ये रफ वर्क में शो कर देंगे। इसी के बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन मौजूद है 831 × 500 / 100।
तो इसमें हम जो सबसे पहले जो पार्ट सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, सबसे पहले है डी एम एस के अंदर डिवाइड पहले होगा सॉल्व, और डिवाइड के लिए यानी कि हमने इस वाले इस पार्ट को सॉल्व करना है सबसे पहले, यानी 100 को 500 को 100 से डिवाइड करना है। ये देखिए यानी कि कुछ यूँ है कि 500 डिवाइडेड बाय 100, इसका सिंपल यह है कि आप जहन में भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 1 से 5 से डिवाइड किया जाएगा, आंसर 5 आएगा। यानी कि यहाँ तक जो हमारे पास सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारे पास 831 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करा, इस पार्ट को आप पेंसिल से करेंगे आप शो करना चाहें, यह हमारे पास 5 आ गया। अब इस 5 को जो है हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क के अंदर, फिर हम रफ वर्क में आ गए 831 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 × 5 ये रफ वर्क है आपका, ये भी रफ वर्क में करेंगे आप इसको, 5 मेरे पास स्पेस मौजूद नहीं है, मैं आपको रफ वर्क में लिख दिया कि रफ वर्क में करेंगे आप 5 × 5, 5 × 3 = 15 वन गया, 8 × 5 = 40 एंड 1 = 41 आंसर आ गया हमारे पास 4155, आंसर आ गया हमारे पास 4155 आंसर आ गया। इसके साथ ही अब हम आ जाते हैं इसके एक और पार्ट कराते हैं, सी पार्ट में, सी पार्ट है हमारे पास 91 − 45 − 30, यानी 91 में से पहले 45 माइनस कर दें, उसके बाद आप जो हैं 30 को माइनस कर दें। अब हमने क्वेश्चन लिखा सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 करके उसका सी पार्ट उतारा, सी पार्ट आ गया हमारे पास 91 − 45 − 30। अब इसको जो हम सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को माइनस कर देते हैं, रफ वर्क में आते हैं, यानी 91 से 45 को माइनस कर दें, यह आ गया हमारे पास 46। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करा, पेंसिल से आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, हमने यानी इसको सॉल्व करा, और इसको सॉल्व करनी हमारे पास जो आ गया वो आ गया 46 − 30। अब हम फिर रफ वर्क में आते हैं, 46 − 30, साइन माइनस का, यहाँ भी माइनस साइन था, 6 में से 0 गया 6 एंड 4 में से 3 गया 1, आंसर हमारे पास इसका आया 16। इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 16, लिहाजा हमने यहाँ पे 16 लिख दिया जो कि आंसर है, आपने आंसर लिख दिया। इसके साथ ही अब आ जाइए आप इसके डी पार्ट में, डी पार्ट है हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसको फिर वही करेंगे, यानी 944 को 9 से डिवाइड करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, रफ वर्क में आ जाइए, जो कि हमने रफ वर्क कर रखा है, रफ वर्क में आए, रफ वर्क क्या है, 144 को 9 से डिवाइड करें, 9 से हमने डिवाइड किया, 9 × 9 रिमाइंडर बचा हमारे पास 5, ऊपर से 4 उतारा, अब 9 की टाइप लिखना पड़े 54 हो जाए, 9 × 6 = 54। आप 9 का टेबल ख़ुद पढ़ के चेक कर लें कि 54 आया, और इस तरह ये 0 हो गया, यानी कि सबसे पहले हमने सॉल्व करा वो आया हमारे पास, ये दो स्टेप्स हमने सॉल्व करने पे हमारे पास क्या है, इसको जब हमने सॉल्व करा, आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें अगर चाहें तो, हम कौन से सॉल्व कर रहे हैं, हमने पेंसिल से अंडरलाइन करके सॉल्व करा, और ये हो गया 16 आंसर आया, यानी इसको हमने जब सॉल्व करा डिवाइड करने पर 16 आया मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 × 4 = 64, ये आपका आंसर आ गया, आपने आंसर लिख दिया 64 आंसर। इस तरह जो है हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कि
क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, जो जिस तरह आपने 4 करा है बिल्कुल सेम 5 है। इसका मैं आपको एक और पार्ट करा देता हूँ ताकि बाकी फिर आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। एक पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, पार्ट है हमारे पास ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट ए सॉल्व करना है, लिहाजा हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं लाइटली, क्योंकि आपकी छोटी क्लास आप पेंसिल से वर्क करते हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले क्या करा, 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 500, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 5 4 20, 20 का 0 2 करी गया, उसके बाद 5 1 5 एंड 2 7, उसके बाद सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 6 4 24, 2 करी गया 6 1 6 एंड 2 8, 6 के अंदर 2 ऐड किया जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद अब आप इसको ऐड कर लें 0 0 7 4 11, 1 करी गया ये हो गया 1 और 8 9। ये हमारे पास अभी तक जो पार्ट सॉल्व हुआ है वह हमारे पास इतना पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ है, लिहाजा हमने इसको जो है 9100 यहाँ पे लिख देंगे और इसके साथ ही प्लस का साइन 130। अब सेकंड स्टेप में जो है हम इसको 130 को ऐड करेंगे, यानी कि इसके इस वैल्यू के अंदर ही जो है 130 लिख दिया जाएगा और फिर प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन था और हमने इसको मल्टीप्लाई करा था ऊपर वाली वैल्यू को। 0 3 1 1 2 9 सॉल्व हो गया हमारे पास 9230 ये आंसर हो गया हमारे पास। इसके साथ ही अब हम इसका दूसरा सेकंड पार्ट करते हैं, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में ये देखिए 100 - 75 / 5, तो सबसे पहले अगर आपने 100 में से 75 माइनस कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, हमें डीएमएस रूल को फॉलो करना होगा, यानी 75 को हमने 5 से पहले डिवाइड करना होगा, सबसे पहले जो पार्ट होगा वो ये होगा। सही आते हैं, हम इसको सॉल्व कराते हैं। अब हम ये हमने क्वेश्चन लिख लिया 5b, और सबसे पहले जो हम डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपने सॉल्व करनी है उसको आप अंडरलाइन कर लें कि आप ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, और इसको अब हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5 सब्ट्रैक्ट करें 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतार हमने नंबर 5 एम 5 का डिग्री इतना पड़ेगा 25 हो जाए 5 5 20 5, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा नील, लिहाजा हम 100 माइनस जो भी हमारे पास आंसर आया अब हम इसकी जगह वो लिख देंगे 15, और 100 से आप 15 माइनस कर दीजिए 100 - 15, यहाँ पर हमारे पास 0 है, 5 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता लिहाजा कैरी से लेंगे, यहाँ पर भी 0 है लिहाजा यहाँ से चलेगा, यानी ये पूरा नंबर जो है ये सेट टेंस में जो है वो 9 रह जाएगा। हम पूरे इस नंबर को कैंसिल कर देते हैं और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 9, और इसके साथ ही ये हो गया नंबर हमारे पास 10 में से जो है 5 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, लिहाजा आंसर आ गया हमारे पास 85। ओके, इसके साथ ही अब आप जो हैं इसी का थर्ड पार्ट यानी कि सी एंड डी जो है वो आपका होमवर्क है, इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है सेम है, इसमें से एक दो पार्ट्स मैं आपको भी करा दूँ, आप इसको इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर अच्छी तरह समझ लें तो आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं, यानी रूल जो हमें सिर्फ डीएमएस रूल को यूज़ करना है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट को हम सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले दो पार्ट्स करा देता हूँ आपको मैं, एक से दो आपको पार्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व के लिए दूंगा। तो बी पार्ट है हमारे पास 4 + 9 डिवाइड का साइन है बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें जो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा वो किया जाएगा ये वाला पार्ट यानी कि डिवाइड का। अब मैं आपको सॉल्व कराते हैं,
सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो डिवाइड का है, डी एन ए एस, उसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा इस रूल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करें, ये वर्बली आप कर सकते हैं, 3 3 9, तो लिहाजा हमने यहाँ पर 4 इसी तरह लिख दिया, प्लस का साइन, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3 आ गया इसका आंसर, मल्टीप्लाई बाय 5। इसके साथ ही अब हम जो साइन को करेंगे वो है मल्टीप्लाई का, डी एम ए एस, सबसे पहले डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई का इसमें साइन मौजूद है लिहाजा मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 5 15। और इसके साथ ही अब हम सिर्फ ऐड करना है, लिहाजा आंसर आ गया हमारे पास 19 आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट सी में आ जाइए। अब हम आपको सी पार्ट सॉल्व कराते हैं, 72 प्लस 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें जो हमने सबसे पहले सॉल्व करना होगा वो डीएमएस रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड वाले सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। अब हमने सॉल्व करना शुरू करा, इसको अंडरलाइन के लिए कि हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं, ये हमने स्टेप करना है 72 प्लस 8, इसको हमने सॉल्व करा, 4 टू द 8 माइनस 8, उसके बाद 72 के अंदर जो हम 8 को ऐड करेंगे, अब हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये हो गया हमारे पास 80, और 80 में से हमने फिर जो है माइनस करना है 8, और इस तरह हमने अब इसको सॉल्व करेंगे, 80 में से 8 निकालें 72, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में आ जाइए, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें जो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे डीएमएस रूल के मुताबिक, सबसे पहले हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप में ये वाला आप सॉल्व करेंगे, फिर ऐड का, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट का। अब ये पार्ट, अगर ये क्वेश्चन डी पार्ट को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो एक्सरसाइज, मैं समझता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तवज्जो से आप समझें। क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्यूशन हमने पूरा क्वेश्चन उतारा पहले उसी तरह, और अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 15 को 3 से डिवाइड करना है, सबसे पहले बाकी जो नंबर्स हैं वो उसको सेम लिख देंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 प्लस 3 5 द 15। सेकेंड स्टेप हम कौन से सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई का, 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 द 42 लिख दिया हमने, माइनस 8 एंड प्लस 5। अब इसके बाद ये देखिए कि हमने मल्टीप्लाई के साइन को भी सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास जो साइन है वो असल में एडिशन का है, सही। तो नंबर वन जो है यहाँ पर ऐड 5 हो रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है जो कि क्लास 4 के स्टूडेंट को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और उसको बहुत ध्यान से समझें कि अगर किसी वैल्यू से पहले हमने जो पार्ट जो सॉल्व करना है वो डी एम ए एस के मुताबिक सॉल्व करना है, यानी कि हमने डिवाइड भी कर लिया था इसमें, मल्टीप्लाई भी कर लिया इसमें, अब हमारे पास एडिशन में हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। ये याद रखिए कि इसके अंदर ये वैल्यू ऐड नहीं हो रही, इसके साथ साइन माइनस का है, इसके साथ साइन माइनस का है, प्लस करना है, ये प्लस हमने जो डीएमएस रूल के मुताबिक हमने ऐड करना है, ऐड हम किस किस को करेंगे वो देखिए आप इस चीज़ को, कि इसको इससे पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ, अगर किसी वैल्यू से पहले कोई साइन ना लगा हो, ये ज़रा ध्यान से सुने, अगर किसी वैल्यू से पहले कोई साइन ना लगा हो इट मीन्स उसके साथ प्लस लिखा हुआ है, उसके साथ प्लस लिखा हुआ है, यानी कि 42
की वैल्यू का साइन भी प्लस है और यहाँ पर 5 की वैल्यू का साइन भी प्लस है, लिहाजा जो हम असल में ऐड करेंगे वो 42 और 5 को ऐड करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस इसको अच्छी तरह समझें, अगर किसी वैल्यू से पहले कोई साइन ना लगा हो तो उससे पहले प्लस का साइन लगा हुआ होता है। हमने DMS रूल के मुताबिक जो हमने सॉल्व करना है वो हमने एडिशन करना है। अब हम ऐड इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम इसको और इसको ऐड करेंगे, यानी कि 42 के साथ हम जो ऐड करेंगे वो 5 है और 12 में जो है आप जो है 2 में 5 ऐड कीजिए 7 और ये आ गया हमारे पास 47। यानी कि अगर हम इसको यूँ लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आपको मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसको समझ लेंगे तो बहुत फिर आपकी जो है 5, 6, 7 में भी आपके काम आएगा। अभी हम इसको वैल्यूज़ को आगे पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि 42 इस वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि हमने 5 को लिख लिया और सबसे लास्ट में हम 8 को ले गए। वैल्यूज़ को हमने पोजिशन तो चेंज करी है लेकिन हमने विद साइन रखा है, यानी कि इसके साथ साइन प्लस का था, हमने इसके साथ प्लस होना है और ये मन में माइनस कर दिया। अब हमने यही जो है रफ वर्क में 42 के अंदर 5 को ऐड करा, 47 हो गया, 47 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका रफ वर्क है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, ऊपर वैल्यू जो है 7 है, नीचे 8 है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, लिहाजा बराबर से कैरी लेंगे, कैरी लेने की सूरत में ये 4 की जगह रहेगी, हमारे पास 3 लिख देंगे हम और इसके साथ ही यहाँ पर ये हो गया 17, ये हो गया 17, 17 में से 8 को माइनस कर दें, 9 आ गया एंड 3 आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 39। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट जो है सबसे लेंदी था, इसके अंदर DMS रूल्स के तमाम रूल फॉलो हो रहे थे, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है और इसके समझाने के साथ ही अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो बाकी तमाम क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसी 6 का ए पार्ट एंड ई पार्ट, दो पार्ट्स जो हैं आपको मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए एंड ई, ये आपका होमवर्क है। ए में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, सबसे पहले आपने जो है 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, जब 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा 45 के अंदर, फिर मैं आपको वही बताऊँगा इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन लगा हुआ होगा, 45 में आप 8 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 15 को माइनस करेंगे। ये स्पेशली मैं आपको बताया, कभी आप लोगों ने सोचा जी ए पार्ट क्यों छुड़वा दिया, ए पार्ट मैंने छुड़वाया नहीं बल्कि मैं आपको उससे टफ पार्ट्स आपको मैंने सॉल्व कराए और सबसे लेंदी पार्ट जो था वो डी था, डी मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो गया।